सबसे पहले कैसे एक बात बताइए, अभी जो सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर पूरा देश, अभी 40 जवान हमारे शहीद हो गए, उसके बाद सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बहुत सारे लोग उसमें मरे या जो भी रहा उसके लिए, लेकिन लोग बोलते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत यहाँ पे लगी हुई थी बीजेपी सरकार, तो इसके बारे में क्या आप बोलेंगे? देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई थी जी, मेरा बूथ BOTH बूथ जो इलेक्शन का बूथ होता है, इन्होंने कहा था मेरा बूट मतलब जूता मेरा बूट सबसे मजबूत जी, और उसका ट्रायल उन्होंने कल दिखा दिया जी। ठीक है जी। जब सरकार, आप ये देखिए जी, हम तो लोग लड़ रहे थे देश के लिए, वो लड़ रहे थे बूथ के लिए जी। हम तो बात कर रहे थे अभिनंदन को लाने के लिए जी। ये बात कर रहे थे बूथ ऑफिसर बनाने के लिए, हम सीमाओं के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, सीमाओं को सुरक्षा करने की बात कर रहे थे, ये घर के अंदर आग लगा रहे थे। जब आज भारत पाकिस्तान की ओड में, भारत पाकिस्तान की ओड में और उसके एवज में, अभिनंदन की एवज में तुम अपने बूथ का कार्यक्रम कर चला रहे हो। और एक बात और, जिस वक्त पूरा भारत भारत पाकिस्तान की तरफ देख रहा था, वो लोग अपनी रैलियां कर रहे थे, वो लोग बूथ कार्यक्रम कर रहे थे, वो लोग दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल शो कर रहे थे जिसके अंदर सबसे 1.5 करोड़ लोगों को शो दिखाना चाहते थे, परंतु उन्होंने कहीं भी नेशन की बात नहीं की, बूथ की उन्होंने बात की, इलेक्शन की उन्होंने बात की, अपनी चुनावी रैलियों की उन्होंने बात की, मारने मिटने की बात की, काटने कटने की बात की, परंतु भारत के राष्ट्रवाद की बात नहीं की। सत्य प्रकाश जी एक बात बताइए, आज के न्यूज़पेपर के अंदर छपा हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे मरवा सकती है कांग्रेस सरकार, तो उसके बारे में क्या आपका है कि क्या इस तरीके की गतिविधि हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या है वो? देखिए एक अभिनंदन जी, दुश्मन देश में रहकर भी जिंदा यहाँ आया जी, क्योंकि दुश्मन देश तो नहीं गएंगे, पराए देश में रहकर भी जिंदा वापस आया गया। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश में ही असुरक्षित लगता है। कल तक ये लोग कहते थे कि जिसे भारत में जान का खतरा वो पाकिस्तान चले जाए जी। तो कहीं जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पाकिस्तान की नागरिकता लेने के लिए तो नहीं दिया गया जी। ये भी तो सवाल है जी। क्योंकि जब इन्हें आज डर लग रहा है, कल तक अगर नसरुद्दीन को डर लगे, किसी हीरो को डर लगे, किसी आदमी को डर लगे, तो मीडिया में प्रपंच रच देते थे, नहीं भाई जिसे भारत में डर लग रहा है वो पाकिस्तान चले जाए। तो भैया अगर आपको डर लग रहा है और आपको वहां जाना, आप जा सकते हो, लेकिन हमें भारत की पुलिस पे, भारत की सुरक्षा पे, भारत के लोकतंत्र पे, भारत के सैनिकों पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का के साथ अनहोनी हुई, वो भारत में नहीं होगी। जो पहले हुआ वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हम आज भी एक बात कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का राष्ट्रपति जी एक है जी। और वो प्रतिनिधित्व करता है भारत का।